सुनो, ज्यादा कांटा है का? दोस्तों हम लोग खाली करने की जगह पर आ गए हैं, तो अभी सब खाना खाने के लिए गया है। तो सोनू बोला कि भैया आज अंडा खाने का मन कर, अंडा गाड़ी में रखा हुआ ही था। तो हम लोग देखिए अभी अंडा बॉयल कर रहे हैं, 9 अंडा है। पापा को भी फोन किए तो बोले कि हाँ मैं भी खाऊंगा, सबका मन था अंडा खाने का। ये देखिए भाई लोग अपना रेडी हो गया है अंडा, भाई फ्राई नहीं किए, ज्यादा तेल तेल हो जाता है, इसलिए पापा बोले कि ऐसी खा लेंगे। तो अभी सोनू ये गाड़ी चला रहा है, लेकर के चलेगा अभी लोडिंग पॉइंट तक। देते हैं भाई धीरे धीरे, अब गाड़ी बंदा चलाने लगा रोड में भी, बढ़िया गाड़ी देख लीजिए एकदम। भाई लोग खाना देखिए अपना आ गया है, मिक्स वेज और उड़द चना दाल है, बाकी इधर कड़ी है। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आप सभी भाइयों का हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल के ब्लॉग में आप लोग को बताए थे कि अपन लोड करके सर्वमंगला क्रेशर में ही सोए थे, तो अभी सुबह समय का भाई लोग 9 बज गया है और हम लोग यहाँ खड़े हैं आकर के, जहाँ खाली करते हैं पटंग पाली से आगे में भी खाली हो रहा है, तो हम लोग को खाली नहीं करवा रहा है, रोज का नाटक हो गया है इसका। बोल रहा है कि माल सही नहीं है, तो कल का माल जैसे हम लोग बार चक्का लोग गिराया था, वो खराब माल था शायद, उसकी वजह से हम लोग को भी कल खड़े करवा के रखा था। तो कल तो हम लोग का माल बढ़िया था, तो आज भी पता नहीं नाटक करके रखा है सुबह से कि खाली करवाऊंगा बोला है, और अभी तो कुछ करवा नहीं रहा है। तो अभी पहले पानी मारेगा माल में, फिर सैंपल करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद अगर माल सही होगा तो खाली करवाएगा बोला है। तो चलिए सैंपल होने दीजिए, उसके बाद अपना गाड़ी खाली होगा। और भाई लोग रात में तो हम लोग बनाए थे मछली और चावल और रोटी, सब था दबा कर खाया था, मैं तो बस रोटी और मछली खाया था, तो चावल बचा हुआ है और मछली भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है पापा गाड़ी में, तो चल करके अभी नाश्ता कर लेंगे सुबह सुबह। और भाई लोग ये देखिए अपने गाड़ी में भी क्या है, इधर आ भाई, ये देखिए कबूतर मेरा नहीं है भाई, ये जो पानी मारता है ना गाड़ी में उसी के घर का है, अभी लेकर के आया था तो बोला कि भाई रुक जाओ 2 मिनट रहे तो मेरे पास। मस्त है भाई, लेकिन ऐसे रखना नहीं चाहिए कबूतर को पंख काट करके, ऐसे घर में जैसे नॉर्मली रहता था ठीक है, लेकिन इसका पंख काटा हुआ है, जा नहीं रहा बेचारा कहीं एकदम। रुक जा बे, कहाँ जाएगा, भागेगा क्या? चलिए भाई लोग पानी मारने दिए, उसके बाद चल करके नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद खाली वाली देखिए करवाएगा तो ठीक है, सैंपल करेगा फिर क्या बोलता है देखते हैं। दोस्तों खाली करने के लिए भी हम लोग को कटंग पाली भेजा है, जहाँ पे कल खाली किए थे यहीं पे देखिए हम लोग का कल गाड़ी खाली हुआ था, एक साइड मेरा एक साइड पापा गाड़ी खाली हुआ था, तो इधर देखिए जगह बचा हुआ था बीच में, तो एक गाड़ी अभी गिरा है, उसके बाद अपना गाड़ी का देखिए नंबर है अभी नापी हो रहा है, उसके बाद अपना गाड़ी खाली होगा यहीं पे, पापा लोग का तो शायद उधर ही होगा जहाँ पे पानी मारते हैं ना उसके आगे में, और मेरा होगा यहाँ पे, और गाड़ी तो इधर होने नहीं पाएगा क्योंकि एक साइड माल को अगर जब तक प्लेन नहीं करेगा ना ग्रेडर तो इधर माल गिराएंगे तो फिर गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाएगा बस वगैरह जो जाता है। चलिए भाई पहले अपना गाड़ी खाली तो हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा मार दिया है आज, जल्दी माल गिरेगा नहीं, पीछे देखिए पूरा पानी गिर रहा है कैसे। दोस्तों अपना तो गाड़ी खाली हो गया, देखिए अपना गाड़ी आगे में खड़ा है, और पापा लोग को भी यहीं पे भेज दिया खाली करने के लिए, क्योंकि 2 गाड़ी खाली हो जाएगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो अभी ग्रेडिंग कर रहा है उसके बाद इधर खाली होगा, नहीं तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा फिर। और चलिए तब तक हम लोग पापा की गाड़ी में जो बचा है रात का मछली चावल उसको खा लेते हैं मैं और सोनू, और चलेंगे भाई लोग फिर से लोडिंग के लिए, लगता है कि फिर से यहीं भी भेजेगा। बहुत नाटक हो रहा है भाई लोग यहाँ माल के लिए, हम लोग का माल अच्छा आ रहा है फिर भी वो नाटक कर रहा है, और ये माल देखिए कितना बेकार है, पूरा डस्ट ही है, फिर भी इसको देखिए खाली करवा दिया। सुनो, ज्यादा कांटा है का? मांग रहा कि पूछ ही खाएंगे, पूछ ही में तो और काटा रहता है। दोस्तों हम लोग दूसरा ट्रिप लोडिंग के लिए जा रहे हैं, अभी जो माल गिरा है वो माल अपना बढ़िया है, तो बोला है खाली करवाएगा, और तो अभी हम लोग फिर से सर्वमंगला क्रेशर ही जा रहे हैं, वहीं से लोड होगा अपना गाड़ी फिर से अभी, और पापा लोग भी पीछे से आएंगे, मैं तो आगे आ गया हूँ, वो लोग खाली करके पापा और अधे चाचा आएंगे दोनों। तो चलिए फटाफट से भाई लोग लोड कर लेते हैं, और 11:30 बजे 12 बज ही गया, तो अब लंच के बाद ही खाली होगा अपना गाड़ी, लोड आउट कर लेते हैं भाई लोग, उसके बाद देखा जाएगा कब खाली करवाएगा, और देखते हैं भाई आज शाम में तो अंडा कड़ी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपना कल से अंडा लेकर के गाड़ी में रखा हुआ है, कल बनाए नहीं थे उसको, मछली बना दिए थे, तो आज अंडा कड़ी शाम में बनेगा, तो चलते हैं लोड करते हैं पहले। दोस्तों आज का दूसरा चक्कर हम लोग लोड लेकर के जा रहे हैं, देखिए अब कितने बजे खाली करवाता है समय का, तो 1 बज गया अभी, हम लोग यहीं पे अभी कटंगपाली में कांटा करवाएंगे उसके बाद जाएंगे, तो
तो पापा भी लोड कर रहे थे मेरे पास, पापा का ही नंबर था, वो भी आ ही जाएंगे। तो वो लोग तो खाना पीना खा करके आएंगे, हम लोग तो 11:30 बजे ही खाए थे, अभी भूख नहीं लगा है। तो देखेंगे हम लोग शाम में कुछ खाएंगे। सोनू भी बोल रहा है कुछ खाने का मन नहीं है, तो चलते हैं शाम में हम लोग कुछ खाएंगे। अभी तो नंबर लगा के वहीं पर रहते हैं, जितना बजे खाली होगा उसके बाद शाम में तो अपना प्रोग्राम है ही अंडा कड़ी का। तो देखते हैं भाई, 1 बज गया है 2 बजे आएगा शायद, 3 बजे जाएगा, इसके बाद एक आध चक्कर और लग पाएगा शायद, आज 3 चक्कर हो जाएगा। देखिए उम्मीद तो है, रात वाला लोड कर लेते तो काफ़ी फायदा हुआ हम लोग को, सुबह सुबह खाली करवा दिया। और अगर जल्दी खाली करवा देता ना तो हम लोग दूसरा चक्कर भी लंच से पहले खाली कर देते, और लंच के बाद भी 2 चक्कर लग सकता था, लेकिन हम लोग को लेट कर दिया खाली करवाने में माल सैम्पलिंग की वजह से। तो 1 चक्कर और लगेगा उम्मीद है, चलिए देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर माल तो काफ़ी है जहाँ पर भी लोड किए थे, हो सकता है 3रा चक्कर में अपना वहीं से लोड हो। दोस्तों हम लोग खाली करने के जगह पर आ गए हैं, तो अभी सब खाना खाने के लिए गया है। तो सोनू बोला कि भैया आज अंडा खाने का मन कर, अंडा गाड़ी में रखा हुआ ही था। तो हम लोग देखिए अभी अंडा बॉयल कर रहे हैं, 9 अंडा है। पापा को भी फोन किए तो बोले कि हाँ मैं भी खाऊंगा, सबका मन था अंडा खाने का। तो गाड़ी में जो अंडा हम लोग नोट हो रखे थे रात में कि अंडा कड़ी बनाएंगे, उसका अभी हम लोग बनाकर खा जाएंगे, रात में देखा जाएगा क्या बनेगा। तो गर्मी तो है भाई, लेकिन थोड़ा सा मन कर दिया तो अंडा खा ले रहे हैं। अभी देखिए इधर अपना प्याज मिर्चा ये सब काट करके रखे हैं, मूड होगा तो अभी इसको अंडा को काट करके फिर कढ़ाई में फ्राई भी मार देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही खाएंगे। देखते हैं, पहले उबलने देते हैं, उसके बाद पापा आ जाएंगे। अगर बोलेंगे कि फ्राई मार दो तो तुरंत कढ़ाई में तेल डाल के जीरा डाल के फ्राई मार देंगे अंडा को। देखते हैं, कोशिश करते हैं फ्राई ज़्यादा मारेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खाने में मज़ा आएगा थोड़ा। अभी उबलने तो इसको ढक देते हैं थोड़ा, अंडा उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में अंडा उबल जाएगा। ये देखिए भाई लोग, अपना रेडी हो गया है अंडा। भाई फ्राई नहीं किया है, ज़्यादा तेल तेल हो जाता है, इसलिए पापा बोले कि ऐसे खा लेंगे। तो भाई पहला पीस मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद सब लोग खाएंगे कैसा है। मस्त लग रहा है भाई, चलिए पापा लोग को भी आने देते हैं, फिर साथ में खाएंगे मिल करके मैं सोनू और पापा। दोस्तों पापा तो नहीं है, बोले गाड़ी में ही ला करके दे दो। तो सोनू देखिए लेकर के जा रहा है अंडा, चलिए अब कब आएगा खाली करवाने, ले क्या पता, अब आराम करते हैं गाड़ी में ही, आएगा तो खाली करके जाएंगे, फिर लोड करेंगे एक ट्रिप और, कम से कम 3 ट्रिप होगा तभी कोई मतलब, नहीं तो लोकल चल के 1-2 ट्रिप में कोई मतलब नहीं होगा भाई। दोस्तों समय का 3 बज रहा है भाई, और अभी अपना ट्रक हुआ है खाली, तो खाली करके जा रहे हैं। पापा लोग का तो अभी खाली नहीं हुआ है, वो लोग आएंगे थोड़ा लेट में, इसलिए मैं सोचा जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता है ना, तो सोनू को गाड़ी दे दे बनता है, तो फिर नहीं बनता है गाड़ी दे दे। तो अभी सोनू ही गाड़ी चला रहा है, ले करके चलेगा अभी लोडिंग पॉइंट तक, देते हैं भाई धीरे धीरे। अब गाड़ी बंदा चलाने लगा रोड में भी, बढ़िया गाड़ी देख लीजिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभार बस मिस करता है कोई चीज़, धीरे धीरे सब सुधार लेगा। दोस्तों समय का 7:30 हो गया भाई लोग, और जहाँ पे खाली होता है वहीं पे आकर खड़े हैं। पहले से ही 5-6 गाड़ी था, वो लोग को आगे में खाली करवाने गया था जो खाली करवाता है। तो अभी अपनी गाड़ी के पास आया है भाई लोग, अपना नंबर आ गया है खाली करने का फर्स्ट में। अभी अपना ये गाड़ी देखिए इधर खड़ा है, अंधेरे में तो कुछ खास दिखेगा नहीं, बाकी का और गाड़ी सब आगे में है।
तो अभी रोड का नापी हो रहा है, उसके बाद खाली होगा गाड़ी अपना। कुंडी खोल दिया सोनू बाबू, खोल दिया ना कुंडी। दोस्तों अपना तो गाड़ी खाली हो गया भाई लोग, और पापा जी का गाड़ी अभी मैं खाली करवा रहा हूँ। अभी रजनीश का भी गाड़ी खाली हो गया, बस पापा गाड़ी बचा है। और आगे जाइए, और आगे थोड़ा, और आगे, बस बहुत दिक्कत है भैया लोग रात में। जो खाली कराने बेचारा वो पागल हो गया, अकेला बोला कि भैया खाली करवाओ अभी जैसे तैसे। उठाइए उठाइए दोस्तों, समय का भी 9 बज गया भाई लोग, और सारा गाड़ी मेरा, पापा का और रजनीश का खाली हो गया। हम लोग निकल गए हैं, तो भाई खाना पीना अब नहीं बन पाएगा भाई लोग, उम्मीद छोड़ दी है। अब आराम से होटल में चल के खाएंगे कुमार ढाबा में। तो चलते हैं, पापा लोग भी पीछे से आ रहे हैं, खाना वाना खा करके देखते हैं, लोडिंग देगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर खाली गाड़ी सोएंगे, सुबह लोडिंग में जाएंगे। चलिए अभी ऑफिस के पास चलते हैं, उसके बाद मालूम चलेगा क्या प्रोग्राम है। आज तो अपना 3 ट्रिप मार दिए भाई लोग, कल रात में एक लोड किए थे वो, और 2 ट्रिप और ऐसे मार दिए, तो 3 ट्रिप अच्छा है, उससे ज़्यादा लगेगा भी नहीं भाई लोग। काफ़ी ज़्यादा मेहनत है यहाँ पे, देख ही रहे हैं, और रात में खाली करने में बहुत ही टेंशन है, जगह सही नहीं रहा तो बहुत दिक्कत होता है। तो अभी तो जगह ठीक ठाक था, रात में खाली हो गया, प्लस में सब लोग साथ में थे, तो चलिए ऑफिस में चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है यहाँ से। दोस्तों समय का 9:30 हो रहा है, और अपने ऑफिस के पास हम लोग आ चुके हैं। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, मैं, पापा, रजनीश और अपना सोनू बाबू। तो चल के कुमार ढाबा में भी खाना खा लेते हैं भाई लोग। और मेरा तो एक ऑर्डर आया है 20 mm का रायगढ़ का, हो सकता है मेरा गाड़ी अभी रात में ही लोड होगा। लग रहा है कि आज 11-12 बजेगा हम लोग को सोने में, देखते हैं क्या होता है। खाना वाना खा करके आते हैं, यहाँ एनी टाइम प्रोग्राम चेंज होते रहता है थोड़ा थोड़ा देर में। मैं सोचा भी नहीं था कि अभी 20 जाएगा रायगढ़ तरफ, लेकिन अभी अपना स्टाफ बता रहा है कि ये गाड़ी 20 का ऑर्डर है, तो पापा बोल रहे हैं कि तुम ही चले जाओ, तो जाएंगे, मैं ही लेकर के जाऊँगा। चलिए खाना खाते हैं पहले भाई लोग। खाना देखिए अपना आ गया है, मिक्स वेज और उड़द चना दाल है, बाकी इधर कड़ी है। सोनू भी देखिए खाना खा रहा है इधर, पापा का भी खाना निकाला है, आ रहे हैं हाथ धोकर के वो भी। दोस्तों समय क्या 11 बज गया भाई लोग, और हम लोग आए हैं अभी राजेश बेरीवाल क्रेशर में 20 mm लोड करने के लिए। बोले ही थे कि गाड़ी का ऑर्डर है, तो अपना गाड़ी देखिए अभी लोड हो रहा है 20 mm। अभी ऑफिस के पास जा करके सोएंगे, फिर वहां से हम लोग 3 बजे या 4 बजे ऐसे ही निकलेंगे खाली करने के लिए। रायगढ़ तरफ का लोडिंग है, बहुत टाइम लग रहा है भाई, आधा घंटा से ऊपर हो गया, जैसे भी लोड कर रहा है धीरे धीरे। तो भाई लोग रात का 11:40 हो चुका है, और लोड करके अपने ऑफिस के पास आ गए हैं, तो यहीं पे सोएंगे हम लोग, और यहां से 4 बजे निकलेंगे। रायगढ़ में धनागर के आसपास खाली होगा ये गाड़ी, तो वहां से फिर हम लोग डीवी पावर जाएंगे। और भाई दिन में तो पुल बंद है, रात में ही चलना है, तो अभी हम लोग यहां 4 बजे निकल जाएंगे, फिर उधर से रात में हम लोग को आना पड़ेगा। तो चलिए भाई लोग आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करेंगे, और मिलेंगे कल फिर से आप लोगों के और ब्लॉग में। और सोनू को काफ़ी ज़्यादा देखिए नींद आ रहा है, बिस्तर लगाना अपना स्टार्ट कर दिया सब। सोनू देखिए यहाँ पर सोता है, और मेरा ये सीट है भाई, मेरे को यहीं पे अच्छा नींद आता है। तो चलिए भाई लोग मिलेंगे कल फिर से एक और न्यू ब्लॉग में, अभी के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।